हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन की, उसके टाइप्स की, साथ ही साथ माइकलिस मेंटेन और लाइनवीवर बग प्लॉट भी, जो इंडिविजुअल एंजाइम इनहिबिशन से रिलेट होता है, और क्या क्या चेंजेस आते हैं इन दोनों प्लॉट्स में, और साथ ही साथ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में भी क्या चेंजेस आते हैं रिलेटेड टू ईच टाइप ऑफ इनहिबिशन। सो मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर, एज वी नो दैट दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन, जब एंजाइम सब्सट्रेट से जुड़ता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है टू गिव अ प्रोडक्ट एंड टू क्रिएट एंजाइम। सो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगा कि एंजाइम सब्सट्रेट जुड़े, प्रोडक्ट बना। बट क्या होगा अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अनडिजायरेबल वे में बनता ही जाए, तो कहीं ना कहीं हमें इस रिएक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल दैट कैन stop this enzyme catalysis to proceed further, and such molecules are called as enzyme inhibitor, and the mechanism is called as enzyme inhibition. Now enzyme inhibition ko broadly do category mein baanta gaya hai. Sabse pehle hum baat karenge irreversible inhibition ki. Irreversible inhibition, jaisa ki naam se hi pata chal raha hai ki enzyme dobara se is inhibition ke baad mein apni normal कैटालिसिस नहीं कर पाता होगा। क्यों? क्योंकि या तो एंजाइम और इनहिबिटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्म कॉम्प्लेक्स बन जाता होगा कि इनहिबिटर एंजाइम को छोड़े ही ना, या फिर एंजाइम इनहिबिटर से जुड़ के डिस्टॉर्ट हो जाता होगा कि वो दोबारा अपने सब्सट्रेट से किसी भी तरीके से या किसी भी साइड पे जुड़ ही ना पाए। एंड केमिस्ट्री बिहाइंड दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। Covalent bond formation is mainly a very strong bond formation between two molecules. So this bond is mainly responsible for this type of inhibition, and of course a few non-covalent bond may also involve for this kind of inhibition. Examples ki taraf jaye to nerve gas, kaiyon ne naam bhi suna hoga, ye bahut hi dangerous gas hoti hai, jo ki agar koi insaan inhale kar le to kya hota hai ki नॉर्मल केस में नर्व मसल्स को सिग्नल देती हैं कि मूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एसिटाइलकोलीन, और यहाँ पे एक इस स्पेस में मसल्स और नर्व के बीच में एसिटाइलकोलीन एस्टरेज एक एंजाइम पाया जाता है जो कि इन एसिटाइलकोलीन मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज करता है, तोड़ता है और आगे वो सिग्नल के लिए भेज देता है कि मूवमेंट करना है। बट नर्व गैस इस एसिटाइलकोलीन एस्टरेज पर ही आके जुड़ जाती है और कॉम्पीट करती है इन एस्टेरालकोलीन से मॉलिक्यूल से, और जिससे कि क्या होता है कि एस्टेरालकोलीन एस्टरेज पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है कि ये वापस से इस मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज ही ना कर पाए यहाँ पे अटैच करके, जिससे क्या होता है कि सिग्नल आगे ही नहीं पहुंच पाते हैं और आपका पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। रिबकेज स्पेशली नर्व गैस के प्रभाव में सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, जिस वजह से आप ब्रीद नहीं कर पाते हो और अल्टीमेटली यू गेट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस नर्व गैस। दूसरा एग्जांपल है एस्पिरिन, जो कि यूजुअली हम लेते हैं जब भी हमें कोई पेन, इन्फ्लेमेशन होता है, हेडेक होता है या कोई मसल पेन होता है। ये होता है हमें प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के एक मॉलिक्यूल की वजह से, जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की वजह से ये बनता है। Prostaglandin synthesis are also known as cyclooxygenase, COX in short form. These are formed जब भी हमें कोई pain होगा तो इसका मतलब prostaglandin synthase actively काम कर रहा है और prostaglandin को बना रहा है। लेकिन जब भी हम aspirin ले लेते हैं, aspirin जाके prostaglandin synthase को रोकता है और prostaglandin बनाने से बंद कर देता है, जिससे कि and within minutes or within hour we feel good. So these are the pros and cons related to irreversible inhibition. Moving toward next, we can conclude that irreversible inhibitor have very high affinity for the enzyme and they bind very strongly and may not be easily dissociate from enzyme. So this was all about the irreversible inhibition. Moving toward reversible inhibition, in this inhibitor have affinity not only for enzyme but for substrate, enzyme substrate complex both, and also of course for enzyme, so hoga hi hoga,
and they can dissociate under certain condition. So the first one is competitive inhibition. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ना कुछ competition होता होगा substrate का और inhibitor का for this active site. Normal condition में enzyme substrate जुड़ेंगे और एक product बनाएंगे. But अगर inhibitor present है, वो इस substrate को active site पे जुड़ने ही नहीं देगा. खुद जाके अटैच होगा और एक एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे कि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा ही, मिलेगा ही नहीं. वो उतने टाइम के लिए जब तक वो अटैच है उस एंजाइम से, वो उसको ब्लॉक करके रखेगा कि सब्सट्रेट उससे जुड़े ना. तो वी कैन से दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैव हाई एफिनिटी, बट दे डू नॉट अफेक्ट द कैटालिसिस एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स ओरिजिनल सब्सट्रेट, दैट डू नॉट अफेक्ट इट्स रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज Vmax. वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करता है. तो अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया आपको, अंडर सर्टेन कंडीशन दे कैन डिसोसिएट. सो इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दे कैन इजीली गेट रिमूव फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, सो दैट सबस्ट्रेट कैन बाइंड एंड कैन गिव द डिजायर्ड प्रोडक्ट. सो क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ाना पड़ रहा है एंड इनहिबिटर की प्रेजेंस में, और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम माइकलिस मेंटेन प्लॉट जब हमने डिस्कस किया था, तो हमें पता था कि जब भी वीमैक्स, मतलब कि वेलोसिटी जब भी वीमैक्स की हाफ होती है, तो Km वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसपे की वेलोसिटी नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, द वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी. सो यहाँ पे सबस्ट्रेट जब हमने बढ़ाया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, तो Km भी बढ़ेगा. सो माइकलिस मेंटन प्लॉट में क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं. ये है नॉर्मल, जब इनहिबिटर नहीं है, सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में एंजाइम इस तरह से कैटलाइज करेगा रिएक्शन और प्लॉट कुछ इस तरह से दिखेगा. लेकिन जब इनहिबिटर प्रेजेंट है, तो वीमैक्स पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन Km थोड़ा बढ़ेगा, नया Km यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. इसके अलावा लाइनवीवर बग प्लॉट की बात करें, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसमें भी Km थोड़ा बढ़ेगा, वीमैक्स वहीं के वहीं रहेगा, साथ ही साथ नया स्लोप हमें मिलेगा, एंड दिस स्लोप इंटरसेक्ट एक्स एट दिस पॉइंट एंड द न्यू Km वैल्यू विल राइजेस लाइक दिस. डोंट गेट कंफ्यूज कि ये तो कम होनी चाहिए, ये बढ़ तो नहीं रही है. याद रखिए ये नेगेटिव की तरफ है ये एक्सिस, दिस इज नॉट टुवर्ड द पॉजिटिव साइड. सो जितना ये जीरो की तरफ आएगा, ये वैल्यू बढ़ेगी. साथ ही साथ माइकलिस मेंटन इक्वेशन में Km विल गेट इंक्रीजेस बाय द अल्फा फैक्टर. अल्फा फैक्टर कहाँ से आया, कैसे आया, इट्स अ वेरी लेंथी डेरिवेशन जो कि यूजुअली नेट लेवल के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. पूछा जाएगा तो यही कि Km वैल्यू किस इन टाइप के इनहिबिशन में बढ़ता है या घटता है, घटेगा जो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अल्फा का डेरिवेशन या थ्योरम आपसे नहीं पूछा जाएगा. सो बस आप यही दो चार फैक्ट हैं जो याद रखें प्लीज. मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इन विच ना जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिशन. सबस्ट्रेट इजिली फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द एंजाइम बिकॉज दिस इनहिबिटर कंबाइंड समवेयर एल्स, नॉट एट एक्टिव साइट, कहीं और ही एलोस्टेरिक रीजन होता होगा, वहां जाके अपना अटैच हो जाता है और इजिली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनने देता है. बट साथ ही साथ ये एंजाइम में काफी चेंजेस ले आता है. जैसे ये जुड़ता है, एंजाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चाहे वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जुड़े या फ्री एंजाइम से जुड़े. तो थोड़ा बहुत कॉन्फिग्रेशनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी कम होगी. एफिशिएंसी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, जिससे कि वीमैक्स भी घटेगी. बट Km इसमें सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट से एक्टिव साइट पे कोई भी खतरा नहीं होता है इनहिबिटर के लिए की वजह से. सो माइकलिस मेंटन इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है कि Vmax तो घटा है, लेकिन Km वहीं के वहीं सेम है. न्यू इक्वेशन में Vmax गेट रिड्यूस बाय अल्फा एंड अल्फा डैश एंड द लाइन वीवर बग, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनहिबिटर कॉन्स्टेंट. दीज के आई एंड के डैश आई आर द इनहिबिटर कॉन्स्टेंट फॉर द इनहिबिटर एंड द लाइन वीवर बग प्लॉट विल बी लाइक दिस इज द ओरिजिनल वन व्हेन इनहिबिटर इज नॉट प्रेजेंट
only substrate is there, but in the presence of inhibitor it will be like this. Vmax ghatega, Km same rahega. Don't get confused again that ये थोड़ा आगे बढ़ ऊपर की तरफ जा रहा है तो Vmax बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्लॉट दो रेसिप्रोकल के बीच में बनता है, तो ये जितना ऊपर जाएगी वैल्यू उतनी ही ये कम होगी, जितनी नीचे आएगी उतना बढ़ेगी. तो यहाँ पे Vmax जो नया बना है हमारा वो कम है. मूविंग टूवर्ड द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन विच अगेन देर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर द एक्टिव साइट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड इट्स इनहिबिटर. ओनली the substrate or inhibitor get attached to other site other than active site and distort this or changes the efficiency of this enzyme toward the rate of reaction. So again Vmax get reduced and in this case Km also get reduced and the Michaelis-Menten equation which is tarah se ban ke aayegi ki Vmax get reduced by alpha dash only. And the Lineweaver-Burk plot will be like for this the presence of this inhibitor Vmax bhi reduce hoga aur Km bhi reduce hoga, Km aur zyada negative value ki taraf shift hoga. So this was all about the inhibitions, different type of inhibitions. And moving toward the question answer section, I hope you can solve these question easily. If you find any difficulty in solving them, please mention your queries in the comment box. I'll definitely try to solve these queries. And if you like this video, hit the like button, share it as maximum as you can, subscribe my channel for more such videos, and stay in touch. Okay, bye bye.